गुड इवनिंग एवरीवन। निफ्टी करीबन 0.25% गिर के बंद हुआ। बैंक निफ्टी 1% के लगभग बंद हुआ। निफ्टी नेक्स्ट 50 0.5% के लगभग बंद हुआ। निफ्टी 100 की बात करें तो वो भी 0.25% के लगभग नीचे बंद हुआ। सो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा बेयरिश ट्रेंड में मार्केट गया। गैप डाउन ओपनिंग के साथ अच्छा खासा बाजार खुला था और उसके बाद बाजार ने उसको 2-2.5 बजे तक मेंटेन रखा और 3 बजे के बाद एक छोटी सी रिकवरी देखने को मिली। मार्केट अपने डे लो से 100 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ निफ्टी। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो आउटलुक फिर से वही निकल के आ रहा है, बेयरिश ट्रेंड निकल के आ रहा है मार्केट में। अगर हम बात करें वॉल्यूम्स और अगर हम बात करें ओपन इंटरेस्ट की, तो अगर आप देखेंगे पिछले 2 दिन में, यस 2 अगस्त और 3 अगस्त के अगर आप डाटा देखेंगे वॉल्यूम्स के, दिस इज़ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के अगर आप डाटा देखेंगे तो करीबन 54% वॉल्यूम ऐड ऑन हुआ था कल के ट्रेडिंग सेशन में, और अगर आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखें तो 10% वॉल्यूम ऐड ऑन हुआ है। तो वॉल्यूम काफ़ी अच्छे खासे इंक्रीज हो रहे हैं जब मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है। तो इट इज़ क्लियरली इंडिकेटिंग दैट कि जब मार्केट गिरता है तेज़ी के साथ और वॉल्यूम्स इंक्रीज होते हैं, तो स्पेसिफिकली टेक्निकली अगर आप देखें इसको तो टेक्निकली ये समझ में आता है कि मार्केट जो है वो डाउन साइड पे है। लेकिन जब मार्केट गिर जाए तेज़ी के साथ और वॉल्यूम्स भी गिरने लग जाएं उसके साथ में, तो इसका मतलब मार्केट स्ट्रेंथ ले रही है। तो चलिए बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट के बारे में। ओपन इंटरेस्ट की अगर बात करें तो कोई खास चेंजेस देखने को नहीं मिले। इट मींस कि मे बी इट माइट बी पॉसिबल कि लोग अपनी पोजीशंस बनाने से डर रहे हैं या फिर पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड कम कर रहे हैं लोग। पोजीशंस एंड ऑफ द डे जो है लोग समेट के जा रहे हैं। 5% के लगभग केवल ओनली निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट देखने को मिला बढ़ता हुआ। और अगर मैं बात करूं कल की बात करूं तो 3.5% का ओपन इंटरेस्ट में जो है गिरावट नज़र आई। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूं वॉल्यूम्स के बारे में, तो वॉल्यूम्स काफ़ी मार्केट के बेयरिश ट्रेंड को सपोर्ट कर रहा है, जिसकी एनालिसिस से अपने को ये पता लगता है कि मार्केट का गिरना और वॉल्यूम का इंक्रीज होना ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट बेयरिश ट्रेंड में जा रहा है। और मार्केट में अभी अगर मैं बात करूं पिछले 2 दिन के ट्रेडिंग सेशन में, आज और कल का, तो कोई अभी कोई सपोर्ट लेवल जो है वो सारे सपोर्ट लेवल अभी टूट चुके हैं पिछले 20 दिन के। सो अभी कोई खास सपोर्ट लेवल निकल के नहीं आ रहा है। विल डिस्कस डेफिनेटली इन दिस वीडियो कि क्या सपोर्ट लेवल हम कंसीडर करके चल सकते हैं फॉर द बाइंग पर्पस। लेकिन अगर मैं आपको बात कहूँ एज अ ट्रेडर, अगर मैं इस मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंगली मैं ट्रेड करता हूँ, तो ओवरऑल अभी जो पिक्चर है दैट इज सेल ऑन राइज। पहले हम बात कर रहे थे, अगर हम देखें 7 दिन पहले, हफ्ता भर पहले हम बात करते थे हमेशा बाय ऑन डिप्स के बारे में। अभी जो मार्केट में फॉर्मूला कामयाब है दैट इज सेल ऑन राइज, क्योंकि आप मार्केट के ट्रेंड के साथ काम कीजिए, ओपोजिट द ट्रेंड काम मत कीजिए। हालांकि ये साइकोलॉजी कभी भी चेंज नहीं होता है कि मार्केट जब तेज हो रहा होता है तो हम सोचते हैं कि गिरेगा कब, जब मार्केट गिरता है तो हम सोचते हैं कि बाइंग कहां से आएगी। तो ऐसा सोचना नहीं है, मार्केट के ट्रेंड के साथ काम कीजिए और पैसा बनाइए। चलिए बात करते हैं कुछ और डेटास के बारे में। अगर मैं FII के नेट सेलिंग की बात करूं तो आज भी मार्केट में 317 करोड़ का नेट सेल नज़र आ रहा है। तो उसके अलावा अगर हम कल का डेटा देखें तो 1877 करोड़ की स्टॉक सेलिंग FII का डेटा हमने नोटिस किया था, जहां से हमने ये एनालाइज़ किया था कि मार्केट में ओवरऑल जो लुक है वो अभी बेयरिश ट्रेंड मेंटेन किया हुआ है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये डे का चार्ट है, 5 मिनट का चार्ट है, तो अगर आप देखें यहां से तो मार्केट ने 19482 सपोर्ट की बात कर रहा हूं निफ्टी सपोर्ट की, तो काफ़ी अच्छी गिरावट यहां से बाज़ार ने दिखाई। सो कंटिन्यूसली वन साइड बाज़ार चला करीबन 2:10 तक, और उसके बाद धीरे धीरे रिकवरी आई और करीबन 3 बजे के बाद मार्केट ने शानदार रिकवरी के साथ थोड़ा सा बाज़ार में रिकवरी दिखाई और बाज़ार ठीक ठाक बंद हुआ। अब बात करते हैं डे चार्ट में। निफ्टी के डे चार्ट में भी अगर आप देखें कल का मार्केट और आज की कैंडल अगर आप देखें, तो 2 दिन की कैंडल क्लियरली इंडिकेट कर रही है ओपनिंग डाउन होना, क्लोजिंग डाउन होना मार्केट का। इट इज़ क्लियरली इंडिकेटिंग दैट कि मार्केट में अभी किसी तरह का कोई स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें
तो मैं आपको शो करता हूँ, अगर आप यहाँ से ये सपोर्ट एरिया अगर हम देखें तो ये क्लियरली यहाँ से सपोर्ट एरिया थोड़ा सा यहाँ पे नज़र आ रहा है, माइट बी मार्केट यहाँ पे थोड़ा थम सकता है। हालांकि सपोर्ट 19290 लग चुका है निफ्टी स्पोर्ट आज करीबन, तो 19290 की अगर हम बात करें तो ये लेवल 4 जुलाई को यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया था। जी हाँ, तो 19290 का लेवल लग चुका है। सो लेट्स सी कि कल क्या मार्केट 19228 के लेवल को टेस्ट करेगा, यानी कि 3 जुलाई के लो को टेस्ट करेगा। लेट्स सी, देखेंगे डेफिनेटली कि किस तरह का मार्केट ओपनिंग होता है। अब बात करते हैं वीकली चार्ट के ऊपर कि मार्केट वीकली चार्ट में कैसा लग रहा है। अगर वीकली चार्ट की बात करें तो अभी बड़ी बेरिश कैंडल यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है इस वीक के। हालांकि अभी 4 ट्रेडिंग सेशन निकल चुके हैं, तो चारों ट्रेडिंग सेशन ने पिछले 3 हफ्ते की कैंडल को कवर अप किया हुआ है। अगर हम बात करें, जी हाँ, तो करीबन 3 हफ्ते की कैंडल को ये अप्रॉक्सीमेटली कवर कर रहा है, यानी कि 3 हफ्ते के बाजार निचले स्तर पर है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग, हमने डे चार्ट की बात कर ली, हमने वीकली चार्ट की बात कर ली, तो ओवरऑल लुक जो है वो बेयरिश ट्रेंड में ही मार्केट दिखाई दे रहा है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग कि किस तरीके का आउटलुक मार्केट में हमें देखने को मिल सकता है। सो अगेन सेम एज इट इज, मैं वही रिकमेंड करूंगा, ओवरऑल लुक इज बेयरिश, सॉरी ओवरऑल लुक इज बेयरिश, तो किसी भी तरह का अभी बाइंग का रिकमेंडेशन देना सही नहीं होगा, बिकॉज विद द ट्रेंड काम कीजिए, अपोजिट द ट्रेंड बिल्कुल आपको सोचना भी नहीं है, और सेल ऑन राइज का ही फॉर्मूला यूज़ कीजिए। मार्केट जैसे ही प्लस में आता है तो वहाँ से सेलिंग बनाइए, 30-40 पॉइंट निफ्टी में आप इजीली गेन कर सकते हो, क्योंकि अभी मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं कि किस तरीके के लेवल, कौन से लेवल एक्सपेक्टेड रहेंगे कल मार्केट में, अगर मार्केट गैप डाउन, गैप अप या फ्लैट मार्केट खुलता है। लेट्स डिस्कस। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि हमें ये पता होना चाहिए कि आज का निफ्टी स्पॉट देखिए 19375 पे जो है मार्केट ने क्लोजिंग दिया, सॉरी वीकली, और जस्ट वेट प्लीज, डे का, यस। सो 19386 की क्लोजिंग मार्केट में हुई है, ओके। कल 525 का क्लोजिंग था मार्केट में और आज ओपनिंग था 19461, तो 19380 के आसपास मार्केट ने क्लोज किया है। 19540 का हाई है और मार्केट ने 19300 का लो बनाया हुआ है, ओके। सो नाउ अगर मार्केट गैप अप, गैप डाउन ओपनिंग होता है, देन इट मे टेस्ट 19380 के पास मार्केट क्लोज हुआ है 19300 का लो बना के, तो क्या लेवल एक्सपेक्टेड हो सकते हैं हायर साइड पे। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा मेरा जो एक्सपेक्टेशंस है मार्केट से कल का, तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट फ्लैट ओपनिंग करने के बाद मार्केट बोथ साइड्स पे, यानी कि कल रेंज बाउंड मार्केट काम करने वाला है, मार्केट डाउन साइड पे भी 19300 के लेवल को एक बार ब्रेक करता हुआ नज़र आएगा, और अपर साइड पे अगर मैं बात करूं तो पूरा तो नहीं, क्लोजिंग जिस हिसाब से हुई है 19386, 19440 के आसपास यहाँ तक जो है लेवल यहाँ पे टेस्ट होते हुए दिख सकते हैं। सो ओवरऑल अगर मैं कैंडल डिज़ाइन करने लगूँ तो मैं कैंडल आपको इस तरीके से बना के दिखाऊंगा। मुझे ये लेवल कल इस तरीके से कुछ नज़र आ रहा है, जस्ट वेट प्लीज, यस। तो मुझे कुछ इस तरीके का कैंडल कल एक्सपेक्टेड है, राइट। हालांकि मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप अपने तरीके से काम कीजिए, अपनी ही स्ट्रेटजी पे बने रहिए, राइट। देखिए जरूर, सुनिए जरूर सभी को, लेकिन आप अपने तरीके से काम कीजिए।
राइट। सो ये मैं जो व्यू शेयर कर रहा हूँ ये मैं अपने लिए शेयर कर रहा हूँ। देन इट मे टेस्ट हायर साइड, अगर हम बात करें हायर साइड 19,420 एंड डाउन साइड 232। सो हायर साइड 19,430 एंड डाउन साइड 19,250, राइट। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है, कुछ उम्मीद तो नहीं है बट अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है 19,386, तो गैप अप भी कितना खुलेगा, 20 25 30 पॉइंट हार्डली। 19,420 440 एंड डाउन साइड अगर हम बात करें तो 19,280। इफ मार्केट ओपन फ्लैट देन इट मे टेस्ट हायर साइड 19,420 440 एंड डाउन साइड अगर मैं बात करूं तो 19,290। तो दोस्तों ये लेवल्स ही एक्सपेक्टेड है। ओवरऑल द पिक्चर इज 440 430 अपर साइड एंड डाउन साइड आई एम एक्सपेक्टिंग टुमारो अगेन 19,280 19,290, यानी कि आज के लो लेवल को मार्केट एक बार टेस्ट करता हुआ नजर आएगा। हो सकता है उसको ब्रेक करे, चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे ब्रेक करने के। सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी पे बने रहिए, अभी यही स्ट्रैटेजी आपके काम आने वाली है। तो देखते हैं कल के मार्केट सेशन में कैसे मार्केट परफॉर्म करता है, किस तरीके से लेवल्स देखने को मिलता है, डिपेंड करता है मार्केट खुलता कैसे है। तो चलिए बाकी की बात हम कल करेंगे इसी टाइम इसी समय। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच, और अपने व्यूज़ भी प्लीज़ शेयर करते रहिए। थैंक यू।